आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Google Chrome से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप Android यूजर है और आप अपने फोन पर मैक्सिमम Google Chrome ब्राउजर का ही यूज करते हैं, लेकिन आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही आप अपने क्रोम को ओपन करने के लिए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है, या फिर गाइज आपको कई बार एक मैसेज यहाँ पर देखने को मिलता है गूगल की स्टॉपिंग। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड देखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही हमारी सेटिंग ओपन होती है, हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन ढूंढना है ऐप्स का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे लेकिन हमें मैनेज ऐप्स पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक सर्च बार दिखेगा और नीचे की तरफ हमें ढेर सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें गूगल क्रोम को सर्च करना है। लेकिन गाइज यहाँ पर काफ़ी समय लग सकता है, तो ऊपर ही हमें एक सर्च बार दिखाई देता है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है गूगल क्रोम। तो गाइज हमारा जो गूगल क्रोम है वो हमारे सामने आ गया, हमें इस पर करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस निकलकर आ जाएगा, आपको नीचे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल, अपडेट, क्लियर डाटा, और ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टोरेज। आप या तो नीचे से क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करिएगा या फिर आप यहां से स्टोरेज पर क्लिक कर दीजिएगा और यहां से आपको करना होगा इसका क्लियर ऑल डाटा। आपको मैनेज स्पेस पर जाना है और यहाँ से आपको इसका कर देना है क्लियर ऑल डाटा। जैसे आप इसका क्लियर ऑल डाटा कर देंगे, फिर आपको कुछ स्टेप्स बैक आना है और यहाँ पर फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। बस दोस्तों, आपको जस्ट इतना ही करना है, उसके बाद आपको बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा क्रोम। ये गाइज यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके गूगल क्रोम पर कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल क्रोम की अपडेट देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पर एक बार अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। जिस तरह से मुझे यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाती है, तो गाइज मेरे को यहाँ से गूगल क्रोम को अपडेट करना है, उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ से अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। गूगल क्रोम को अपडेट करते ही गाइज जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाता है। अगर फिर भी कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम रह जाती है उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, तो फाइनली दोस्तों आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम है आपको इसको अनइंस्टॉल करना होगा। आपको जो प्ले स्टोर वाला ऑप्शन है आपको यहीं पर ही आना है और यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और दोबारा से आपको प्ले स्टोर पर आकर इसको इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद गाइस जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन 101% हो जाता है। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।